आखिर क्यों डीसी झज्जर के साथ अन्य अधिकारी भी साइकिल से कार्यालय पहुंचे। झज्जर उपायुक्त श्याम लाल पुनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 सितंबर बुधवार को वर्ल्ड कार फ्री डे के रूप में मनाया गया है। उन्होंने बताया कि यह दिन लोगों को पर्यावरण की खातिर अपनी कार चलाए बिना बिताने के लिए प्रोत्साहित करता है। उन्होंने बताया कि हम सभी जानते हैं कि कारें ऐसे यौगिकों का उत्सर्जन करती हैं जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। सभी आमजन तथा सरकारी व गैर सरकारी नौकरी पेशा लोगों से आह्वान किया कि सभी अपनी कारों का उपयोग किए बिना सिर्फ एक दिन बिताएं। उपायुक्त ने कहा कि पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग हरियाणा लगातार वाहनों से होने वाले प्रदूषण के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। सबसे स्पष्ट समाधान भीड़भाड़ को कम करने के लिए यातायात प्रवाह में सुधार करना है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि कार मुक्त दिवस 22 सितंबर को सैर करके, साइकिल का उपयोग करके, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके तथा कार पूलिंग द्वारा मनाया गया है। 22 सितंबर को विश्व कार मुक्त दिवस पर उपायुक्त श्याम लाल पुनिया व अन्य अधिकारी भी साइकिल या अन्य पब्लिक वाहन से कार्यालय पहुंचे हैं। विश्व कार मुक्त दिवस पर पर्यावरण को लेकर उन्होंने संदेश देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल भी राज्य स्तर मनाएंगे विश्व कार मुक्त दिवस। विश्व कार मुक्त दिवस पर डीसी झज्जर श्री श्याम लाल पुनिया, एसपी श्री राजेश दुगल, एसडीएम झज्जर श्रीमती शिखा व सीटीएम श्रीमती रेणुका नांदल साइकिल पर सवार हो कार्यालय पहुंचे। आज विश्व कार मुक्त दिवस है, वर्ल्ड कार फ्री डे। और जैसा हम सबको पता है, अभी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हर एक जो व्यक्ति है उसमें एक जागरूकता भी आई है। और कोरोना के समय में जिस तरह से लॉकडाउन की स्थिति बनी थी और उसमें जो प्रदूषण का स्तर था, जो एयर पोल्यूशन था, उसमें काफ़ी कमी देखी गई थी। तो ये एक विचार है और सन 2000 से ये बहुत सारे देशों की आम सहमति से तो आज जो 22 सितंबर को विश्व कार मुक्त दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें कि लोगों के बीच में एक संदेश जाए कि जो रेगुलर पॉल्यूशन है उसको कम किया जाए, अधिकाधिक जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हर एक व्यक्ति की बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी है। तो आज हमारी जो पूरी टीम है, हम एसपी साहब, एसडीएम मैडम, सीटीएम मैडम, तो बाकी सभी से हमने आह्वान किया कि आज के दिन या तो पैदल आएँ या फिर कार पूलिंग करके आएँ या फिर अपनी साइकिल से ऑफिस में पहुँचें। तो ये एक जो क्योंकि शुरुआत हमसे होगी तभी आमजन में भी ये मैसेज जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। और इसी कड़ी में आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी आज राज्य स्तरीय जो इसकी विश्व कार मुक्त दिवस की आज उन्होंने भी शुरुआत करी है। तो मैं समझता हूँ कि जन जन में ये संदेश जाना चाहिए और हेल्दी लाइफस्टाइल का भी एक हिस्सा है। यदि आप पैदल चलते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो आपके बहुत सारे रोगों से भी आपको मुक्ति मिलती है, आपका शरीर स्वस्थ रहता है और जो जेब से मेडिकल का जो बिल है वो भी कम होता है। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे देखा गया कि वो साइकिल पे ज़्यादातर लोग थे, लेकिन शहरी क्षेत्र में हमें तो शहरी क्षेत्र के लोगों का कहते हैं, शहरी क्षेत्र के लोगों से मेरी खास अपील है कि ये एक हमारी जो लाइफस्टाइल जो सिडेंट्री हो चली है उसमें हमें खास ज़रूरत है कि इस तरह के जो आयाम है इनको हम अपनाएं दैनिक जीवन में, या तो हम बस का जो सार्वजनिक जो परिवहन के साधन है उनका इस्तेमाल करें, साइकिल चलाएं या फिर आप पैदल चलें, ताकि आपके स्वास्थ्य को एक नई ऊर्जा मिल सके। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज़ चैनल हरियाणा लाइव 24 को।